अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे आप सब ठीक हो सो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और बस टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे से स्टार्ट करा है मैंने ब्लॉग, और वही टाइम हो जाएगा काम करते करते, जो कुछ थोड़ा काम होते हैं वो अब शेर के बाद में, मतलब अख्तियार के बाद में मैं करने बैठ जाती हूँ। तो ये तो मंगाई थी साबुत, किसी भी मिर्ची तो साबुत आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो बेटे बहुत तेज़ मिर्ची है, बहुत तेज़ दूर। एक तो मैं काम करती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, बच्चे मेरे सोचते हैं कि मैं टाइम पास कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो इस टाइम पे मैं लेट भी सकती हूँ, आराम भी कर सकती हूँ, अपना कुछ अपना पर्सनल काम भी कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती। इतना माशाल्लाह, एक तो रमज़ान में इतना काम होता है, वाकई बहुत होता है। अब इन मिर्चों को क्या करूँगी, इनकी डंडियाँ तोड़ के इनको रख लूँगी, काम आती है साबुत मिर्च चटनी वटनी के लिए। और ऐसा एहसास हो रहा है मुझे, कि मैं मिर्चियों की डंडियाँ हटा रही हूँ तो गर्मी लग रही है, गर्मी का एहसास हो रहा है अच्छा खासा। फ्रिज में तो हम लोग पानी रखने लगे। अब ये लेकर आए अपना हथियार, कैंची, लाइबा। आजकल लाइबा के मजे ही मजे आ रहे हैं। हाँ बेटा, तुम ये बताओ, तुम ये क्यों सोचती हो कि मैं जब काम करती हूँ टाइम पास करती हूँ, कभी कढ़ाई में पकौड़ी डाल दोगी, कभी कुछ कर देती हो। और ये अच्छी खासी ये लेट गई थी, मैंने सोचा चलो ये तो लेट गई है, सो ही जाएगी लाइबा तो, लेकिन ये देखो उठ के बैठ गई है, ये करती है लाइबा। और जस जस सेम की भी आवाज़ आ रही है, तो काम करते मज़ा आता। एक खराब है, चलो मिर्चों का काम तो हो गया पूरा। कितनी अच्छी लग रही है रेड रेड मिर्च। और यहाँ पर बनाया मैंने बच्चों के लिए पास्ता, लाइबा को भी खिला, क्यों और लाइबा को मैं खिलाऊंगी अपने हाथ से। शोतिशी शोनी 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 के मुंह में दे दो, लाओ खा ले, जल्दी से खा ले, जल्दी से। ये नहीं खा रही, लो। और यहाँ पर हो गया माशाल्लाह से शेरी का टाइम। और आज मंगाई हमने बाहर की रोटी, बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। शेरी का टाइम हो गया, स्टार्ट करनी। शेरी बोला है मैंने, अफ्तियारी बोला है, हैं? अफ्तियारी बोला है मैंने, हैं? सच में? बच्चों को ये पता है ना, मैं भूल जाती हूँ अब आजकल, तो तुम्हारे बच्चे मेरी खिंचाई कर रहे हैं। चलो यहाँ पर अब हम शेरी करेंगे। रिश्ता तोड़ दिया, कैसी बातें करते हो तुम लोग। शेरी में तो एक रोटी में ही बस ऐसा हो जाता है जैसे कितना खाना खा लिया है, और कितना शोर मचाते हैं ये लोग। बिस्मिल्लाह, आज वो भी गोश्त पालक कसम से वाकई बड़ा ही मज़ेदार हो रहा था। और शेरी का तो बस ज्यादा मैं इतना शूट नहीं कर पाती, क्योंकि हम लोग पूरी रात जागते हैं, शेरी खाकर ही सोते हैं, तो उस टाइम पे इतनी जबरदस्त वाली नींद आ रही होती है, इतनी थकन हो रही होती है। तो बस अब है जोहर का टाइम, नमाज मैंने पढ़ ली है और मैंने कुरान शरीफ, आज बहुत खुशी की बात है, मेरा हुआ कुरान शरीफ पूरा माशाल्लाह से। कुरान शरीफ तो मेरा और पहले हो जाता, लेकिन यह है कि वो 3-4 दावतों मेरी है, और फिर कल पूरा हो जाता तो कल भी पूरा नहीं हो पाया, एक पारा रह गया था मेरा, आज माशाल्लाह मैंने वो भी पूरा कर लिया। और दुआ करी, और बस सबके लिए दुआ करी, अल्लाह पाक बस पूरे कुल जहान में चैन सुकून रहे, और बस अल्लाह की रहम और करम सब पे रहे। तो बस अब जोहर का टाइम हो रहा था, फिर वो यही है कि क्या बनाए क्या बनाए। तो आज शोहर जी आज क्या बनाए है? बिरयानी। चलो ठीक है, तो फिर पकौड़ियाँ नहीं बनाओगे आज? नहीं।
हैं, बनाओ पकौड़िया। चलो फाइनल हो गया, शोर जी ने खाए बिरयानी। और साथ साथ में ये बर्तन भी लगा दूंगी। देखो टोकरी में ये होता है कि उस टाइम पे धुलने आसान होते हैं ना, तो समझ में नहीं आता। अब आराम से मैं उठी हूँ तो अब सबसे पहले मैं लगा दूंगी। हाँ एक ही लाभ अपनी अम्मी बहुत करती हूँ जी, तुम दोनों को रोज रखवाऊंगी। खेलती रहती है दोनों, बहुत ही खेलती है वाकई। हो रही है और इधर बिरयानी का सामान मैंने तैयार कर लिया। प्याज, हरी मिर्चियाँ, टमाटर और ढेर सारी ली हैं अचार की मिर्चियाँ, और ये वाली भी डालूंगी आज, दो रंग का अचार डालूंगी बिरयानी में। अदरक लहसुन का पेस्ट और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी बिरयानी। बिरयानी में सबसे पहले प्याज और जीरा वीरा डाल दूँगा। अब बिरयानी में टाइम पर चला रही हूँ कि रोजे के टाइम पे बिल्कुल गरम गरम बिरयानी दस्ता खान पर सजी हुई है। और इधर ये मसाला भी भून गया बिरयानी का, इसके अंदर डाल दूंगी गोश्त की। 5 मिनट इसमें पकाऊंगी मसाले में, फिर डालूंगी चावल इसके। खूब ये गोश्त डाल के भी पका लिया है, उसके अंदर डालूंगी चावल। ढक दें क्योंकि टाइम बस इस टाइम रफ्तार के साथ में चलता है, सही वाला रफ्तार पकड़े हुए होता है टाइम। बिरयानी तो दम पे आ रही है, पर फाइनली इसमें डालना है जर्दी रंग डालूंगा। अब इसको 5 मिनट ऐसे ही रख देती हूँ दम पे। और रोजा खोलने के बाद में तो बस चाय मिल जाए और आधे घंटे हम लोग आराम करते हैं, फिर उठते हैं तो फिर हाँ लगता है थोड़ा एक हाँ एनर्जी आ गई है वापसी। तो बस माशाल्लाह से थोड़े से रोज़े रह गए हैं और रोज़ों में इतना अच्छा लग रहा है, रोज़े इतना अच्छे जा रहा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह आप लोग भी बताइएगा आपके रोज़े कैसे जा रहा है माशाल्लाह, और ईद की आप लोगों की क्या तैयारियां हैं। मैं जैसे जैसे तैयारियां करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी फ़िलहाल बच्चों के कपड़े नहीं आए क्योंकि रेडीमेड आएंगे बच्चों के कपड़े। और बस जिस दिन भी शोर जी को टाइम मिल गया उस दिन सब एक साथ ही जाके सब बच्चों के एक साथ ही कपड़े लेकर आएंगे, कुर्ता पजामा या जीन्स टी शर्ट जो भी लाना है मतलब, क्योंकि अभी फ़िलहाल शोर जी को टाइम नहीं मिल रहा है। और रोज़े में तो बस एक तो ये आते ही देर से हैं, ये थोड़ा वो रहता है जब आते हैं तो इनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये बाज़ार जाएं, और बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। लेकिन हाँ मैं चुटपुट का मैं जाती हूँ, मैं लिए एक आ जाती हूँ। और मैं तो सच बताऊँ मैं तो ऐसी हूँ, मैं बाज़ार जाती हूँ ना, मुझे सूट नहीं दिखते, मुझे किचन का सामान मिलता है और मुझे किचन का सामान ही देखना, पता नहीं क्यों वहीं जहाँ किचन के मतलब कांच के बर्तन वगैरह कुछ हो तो पता नहीं क्यों वहीं रुक के वहीं देखती हूँ मैं। मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि मैं चाहती हूँ अपने किचन में एकदम टिच रखूँ बहुत, और बस शौक़ है बस मुझे बहुत ज़्यादा। और बस इंशाल्लाह ईद की तैयारियाँ भी सारी दिखाएंगे, एक ब्लॉग बनाऊँगी जिस दिन हम शॉपिंग कर आएंगे ना उसी दिन सिर्फ शॉपिंग का ही ब्लॉग बनाना है जैसे मैंने पिछले साल बनाया था। और वाकई यादगार रहता है कि हमने पिछले साल जो ब्लॉग बनाया था मैंने वो मैंने अभी हाल फिलहाल में देखा था तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। हालांकि वो चीज़ें है ही नहीं, बच्चों ने पेन पान के सब अलग कर दी, लेकिन एक जब मैंने वो ब्लॉग देखा ना सच बताऊँ एक जितने भी उस टाइम के जो जज्बात होते हैं या जो खुशी होती है वो सब बहुत बस बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अब के भी इंशाल्लाह ऐसे ही बनाएंगे,
ब्लॉक और ये आ गए फिर। और ये देखो वॉशिंग मशीन मैंने वहां पर लगा दी। मैं पूरे घर में अपनी वॉशिंग मशीन को नचाती रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी किचन में कभी उधर कमरे में। इस वॉशिंग मशीन की सेटिंग क्या, इस हमारी पूरी बिल्डिंग में वॉशिंग मशीन की किसी के घर में भी सेटिंग नहीं है। बस अल्लाह तौफीक दे घर अच्छा बना है बस। किचन तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी मर्जी का और अपने हिसाब का बनवाऊंगी मैं इंशाल्लाह। जैसे मेरी पकाने में स्पीड है ना, तो वैसे ही मुझे किचन भी चाहिए होता है। तो और बस आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमारे तो रोज़ रमज़ान सब बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और रोज़ रमज़ानों की जो रौनकें हैं माशाल्लाह, वो सब आप लोग इंजॉय करें। और अल्लाह पाक सबके रोज़ रमज़ान बहुत अच्छे जाए, खैर खैरियत से जाए। और बस छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम। अल्लाह हाफिज़।